सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि रूह अफ़ज़ा बाजार से गायब है। चिलचिलाती गर्मी से लेकर रमजान के मौके पर रूह अफ़ज़ा का अपना ही जलवा होता है। रूह अफ़ज़ा सूखे गले वालों के लिए हर दिल अजीज ड्रिंक है। रूह अफ़ज़ा के गायब होने की वजह से बिजतक की टीम ने हमदर्द कंपनी के चीफ बिजनेस हेड मंसूर अली से फोन पर बात की। एक साथ ज्यादा डिमांड बढ़ने से रूह अफ़ज़ा की सप्लाई में कमी हुई। अब कंपनी ने रूह अफ़ज़ा का प्रोडक्शन बढ़ाया है। हमदर्द हिंदुस्तान के हर नागरिक को रूह अफ़ज़ा का शरबत पिला सकता है। अब सवाल ये है कि कंपनी के पास रूह अफ़ज़ा की कोई कमी नहीं है तो कौन है वो जो सोशल मीडिया पर रूह अफ़ज़ा की कमी की अफवाह फैला रहा है? इसका जवाब आप हमदर्द कंपनी के चीफ बिजनेस हेड मंसूर अली खान से सुनिए। कंपनी के एक अधिकारी ने रूह अफ़ज़ा की कमी की खबर फैलाई। जिस अधिकारी ने ये खबर फैलाई उसने कंपनी छोड़ दी है। रूह अफ़ज़ा की अब कोई कमी नहीं होगी, लेकिन सवाल ये है कि अब सोशल मीडिया पर पिछले 15 से 20 दिनों से रूह अफ़ज़ा की कमी की खबरें चल रही थी, तो हमदर्द ने इस पर पहले कोई सफाई क्यों नहीं दी? क्या अब भी हमदर्द कुछ छुपा रहा है? क्योंकि वायरल खबरों के मुताबिक हमदर्द के मालिकों के बीच कुछ विवाद है। रूह अफ़ज़ा के प्रोडक्शन पर इस वजह से असर पड़ रहा है और प्रोडक्शन कम होने से सप्लाई पर असर पड़ रहा है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि अब कंपनी अंदरूनी कलह को छुपाने के लिए सफाई पेश कर रही है? खैर, वजह जो भी रही हो, लेकिन रूह अफ़ज़ा के दीवानों के लिए तो अच्छी खबर है। अब रूह अफ़ज़ा की शॉर्टेज नहीं होगी। चिलचिलाती गर्मी में रूह अफ़ज़ा शरबत पीकर राहत मिलेगी। रमजान के महीने में रूह अफ़ज़ा के शरबत से रोजा खुल सकेगा।